नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो बहुत ही रहीश फैमिली में जन्म हुआ उनका। उनको ठाकुर महर्षि भी कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव के महान संत हुए नरोत्तम दास ठाकुर। और उन्होंने वैष्णव भक्ति का प्रचार किया पूरे उड़ीसा में, बंगाल में। जय जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, यशोदा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, नरसिंह देव भगवान लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरि बोल। तो पूरे उड़ीसा में और पूरे बंगाल में उन्होंने बहुत प्रचार किया। और एक महान राजा कृष्णनंद दत्त, उनके पिता का नाम था, प्रिंस कृष्ण दत्त। तो कृष्णानंद दत्त उनके पुत्र थे। और माँ का नाम क्या था? नारायणी देवी था। क्या नाम था? नारायणी देवी, जो कि बांग्लादेश में रहते थे, खिचड़ी गांव में रहते। तो कुछ समय के बाद जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद में जो है वो इनको प्रिंस बनाने के लिए सोच रहे थे, इनको आगे नेक्स्ट अधिकारी, लेकिन इनका कोई रुचि नहीं था उसमें। घर के कार्यों में, घरेलू कार्यों में कोई रुचि नहीं था। वो चाहते थे कि जो है वो भगवान की भक्ति की जाए और भगवान की भक्ति का प्रचार किया जाए। तो इस प्रकार से पूरा लाइफ जो है वो नास्तिक ब्रह्मचारी ही रहे। अलग घर वाले कभी प्रयास कर रहे थे कि राजा का बेटा है तो कैसे वैराग्य बनेगा। तो क्यास्त फैमिली से उनका जन्म हुआ था। कृष्ण दत्त उनके पिताजी का नाम है। और बांग्लादेश में से बताया है? तो वहाँ जो रहते थे ये, उनका जन्म हुआ मंथ ऑफ माघ महीने में। माघ मतलब जनवरी, अराउंड 1520 AD। तो बचपन से ही वो चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत अटैच उनको होता था। नरोत्तम दास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु से बहुत आकर्षण था उनको। और उनके एस्ट्रोलॉजी ने बोला था कि ये दो काम करेगा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। उनके एस्ट्रोलॉजर जो आए थे उनके, उन्होंने बताया, पादरी जो आए, तो बहुत ही कुछ समय में वो संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान बन गए, बहुत ही छोटी उम्र में, है ना। और फिर उन्होंने काफ़ी संस्कृत में कई पोइट्रीज लिखी। 12 साल के थे तो उनको नित्यानंद प्रभु का जो है वो दर्शन हुआ सपने में, 12 साल के हुआ। और वो नरोत्तमन ठाकुर को बोले कि आपके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी में क्या रखा है? कृष्ण प्रेम रखा, उसको ले लेना। ओके, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु से पद्मा नदी के पास में कीर्तन करते करते जा रहे थे तो बोलने लगे क्या, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। उस समय प्रकट भी नहीं हुए थे, मतलब बॉर्न एट दैट टाइम। चैतन्य महाप्रभु रिसाइटिंग नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। सारे पार्षदों ने पूछा कौन है नरोत्तम, कौन किसका पूछ आप जो है ये बात कर रहे हो? तो बताया कि भविष्य में बहुत ही बड़े वैष्णव आने वाले हैं। क्या नाम होगा? नरोत्तम दास। तो नित्यानंद प्रभु की जो है वो, तो चैतन्य महाप्रभु ने सॉरी पहले क्या किया, फिर पद्मा नदी के बीच में क्या दे दिया उनको, बोला कि ये कृष्ण प्रेम, मैं चला जाऊंगा, नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे जब प्रकट होंगे तो यहाँ आके वो स्नान करेंगे। जैसे स्नान करेंगे तो क्या होगा जो है वो, आप उनको ये प्रेम दे देना, गौरंग महाप्रभु का प्रेम दे देना उनको, है कि नहीं। तो पद्मा नदी ने पूछा कि कैसे पता, हजारों लोग आते हैं स्नान करने में, तो हजारों लोग आते हैं, कई वैष्णव आते हैं, कैसे पता चलेगा मेरे को कि ये
नरोत्तम दास ठाकुर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी वो आएंगे, जब भी आपके इसमें वो चरण रखेंगे अपने, तो आपकी जो है इसमें भाड़ आ जाएगा, तूफान आ जाएगा इसमें, आप उछलना शुरू कर देंगे उस समय। तो समझ लेना कि ये कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर। तो इधर जो है अभी वो बड़े हो चुके थे, उनके हृदय में वैराग्य बढ़ता जा रहा था। और फिर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो नित्यानंद प्रभु के सपने में आए, देखो गुरु सपने में आए, गुरु रूप में नित्यानंद प्रभु। तो उनको बताए कैसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने आपके लिए गिफ्ट रखा है, दिवाली गिफ्ट। लेकिन ऐसा गिफ्ट अगर आपको मिल जाए तो घर में बहुत बड़ा प्रलोभन था, इतना बड़ा, लेकिन वो उसे कभी मटेरियल चीज़ों कभी आसक्त नहीं हुए वो। तो यंग नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो उन्होंने क्या किया, गए पद्मा नदी के पास में गए, जैसे उन्होंने क्या किया अपना चरण रखा वहाँ, तो तूफान आ गया उसमें। तो पद्मा नदी समझ गई कि ये नरोत्तम दास ठाकुर हैं, और जैसे उसको कृष्ण प्रेम दिया वो तो अब कृष्ण को था गला कृष्ण कृष्ण को था, वो जाने लगे वृंदावन की तरफ, है ना, ऐसा ना मत को। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हुई वो, और देखिए दीक्षा मिलने से पहले ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, दीक्षा होने से पहले कृष्ण प्रेम, अभी दीक्षा नहीं हुआ, दीक्षा तो आगे देंगे जाएंगे वृंदावन में, किन से, लोकनाथ स्वामी से, अंडरस्टैंड ना। तो इस प्रकार से फिर नरोत्तम दास ठाकुर कुछ समय के बाद में, बहुत ही नरोत्तम विलास बहुत बड़ी किताब है, उसमें श्री नरोत्तम दास के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो हम तो थोड़ा बता ही आस्वादन कर पाएंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन चले गए और वहाँ लेकर फिर मधुकरी करने लगे, मांग के खाने लगे, है कि नहीं, मधुकरी मतलब मधु मतलब हाँ। तो भंवरा क्या करता है, क्या करता है वो एक एक फूल से क्या करता है, थोड़ा थोड़ा क्या लेता है, शहद लेता है, क्या लेता है, ये मधु लेता है, मतलब संत लोग क्या करते हैं, इनके एक घर में जाके तो उसी में सब कुछ डेली वहीं मालपुआ खाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग के घर में जाते थे, क्या मांगते, भिक्षा मांगते, अगली बार आना तो मधुकरी करनी है यहाँ, ठीक है, हाँ मैं आपको ला कर दे सकता हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा, आपको आना है यहाँ बैठिए मधुकरी कीजिए, ठीक है, ब्रजवासी घाट में जाना है मांगिए उनसे, हैं, अगर मैं लेकर दूंगा तो ऐश्वर्य होगा, आप मांगोगे तो माधुरी होगा, हरी हरी, मैं आपको ला कर दे दूंगा तो क्या होगा, ऐश्वर्य ऐश्वर्य खा रहे हो आराम से, आप मांगने जाओगे तो माधुरी होगा, है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं, हम तो ये तो जाते हैं कृपा देने के लिए, आदान प्रदान करते हैं, हम तो भूख लगती है तो इसलिए जाते हैं, लेकिन सब तो हो नहीं जाती, लेकिन ऐसे बहुत भूख है तो इसलिए जा रहे हैं ना, ये आधान ब्रजवासियों का प्रेम लेने के लिए जाते हैं, वो प्रेम छुपा है उसके अंदर, रोटी के अंदर क्या है वो लव है, वो रोटी क्या है, मट्ठा के पीछे क्या है, वो प्रेम है, वो है कि नहीं, हमको तो भूख लगी हुई, चलो भूख पेट ठीक है, हम तो बद अवस्था में हैं तो क्या करें, लेकिन ये मधुकरी है किसके लोग, परमहंसों के लिए है ना, परमहंसों के लिए मधुकरी करना जाना, है कि नहीं, तो कभी कभी ठीक है बट जल्दी हमारे नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सबसे मधु मतलब थोड़ा थोड़ा सब लेते हैं, ऐसे संत लोग ऐसे ऐसे लेना चाहिए, है कि नहीं, तो एक ही को बर्डन दोगे तो वो वेन अच्छा नहीं रहेगा, तो मधुकरी करते थे वहाँ जाके है? और नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे श्री जीव गोस्वामी के अंडर में, ये सब लोग शिक्षा लेते, जीव गोस्वामी के शिक्षा गुरु थे और श्री नरोत्तम दास ठाकुर दीक्षा गुरु, तो तीनों श्रवण प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, तो श्रीनिवास आचार्य तीनों जो है वो, हालांकि तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य थे,
लेकिन जीव गोस्वामी उसमें बहुत बड़ा बड़े विद्वान हैं, संस्कृत विद्वान हैं, तो उनके अंदर में ये पढ़ाई करते, शिक्षा शिक्षा लेते थे, है ना, शिक्षा लेते थे। तो रोतमदास ठाकुर काफ़ी, देखो इतना महान भक्त हैं लेकिन प्रचार बहुत किए, उड़ीसा में जो फैलाए हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजा के बेटों को उन्हें भक्त बनाया, बड़े बड़े पंडितों को एकदम नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया अपनी प्योरिटी से। तो शरणोत्तम ठाकुर जो है वो सबको प्रचार करते थे, मलेशा, यावण, ब्राह्मण, शूद्र, सबको प्रचार करते थे, है ना। इस प्रकार से उन्होंने हजारों तक डिसाइपल बनाए, थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल्स उन्होंने अपने बनाए उस समय बांग्लादेश में। यदि बांग्लादेश में अभी जाओगे 97% मुस्लिम कंट्री हो गई, लेकिन जो भी बचे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, अभी भी हैं, इतना बचा है, काफ़ी मंदिर हैं वहाँ, परम पूज्य जयपिता का स्वामी महाराज जी जाते हैं वहाँ प्रचार करने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद जो पहला डिसअपीयरेंस डे हुआ था उनका तिरुभाव, वो खिचड़ी गाँव में बुलाया गया। नरोत्तम दास ठाकुर मेन ऑर्गेनाइजर थे इसके, है ना। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठ के भजन ही करते थे, क्या करते थे, मैनेजमेंट भी करते थे, प्रचार भी करते थे, सब चीज करते थे, है ना। तो ऐसा उद्दंड कीर्तन हुआ उस पहली बार जो इतना, मतलब सारे वैष्णव आए हुए थे, सारे वैष्णव वहाँ खिचड़ी गाँव में वहाँ गए, तो खूब उद्दंड कीर्तन हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए वहाँ, ऐसा कीर्तन हुआ। गौतम दास ठाकुर की ना, तो काफ़ी किताबें लिखी हैं गौतम दास ठाकुर ने। देखिए जो आपने ये सॉन्ग गाया, जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, तो गौतम दास ठाकुर ने प्रेम विलास लिखा है, और प्रेम भक्ति चंद्रिका ये लिखा है उन्होंने, किताबें काफ़ी सारी किताब लिखी हैं। और तो जब वृंदावन में थे तो आप जानते हैं, है ना, बहुत फेमस पास टाइम कौन सा, दीक्षा जब लेना चाहिए, है ना। तो ही वॉज वेरी एक्सॉल्टेड वैष्णव, बहु रोते थे उनके विरह में। रूप गोस्वामी जब चले गए थे उनके विरह में सारा दिन रोते रहते थे, लेकिन ऐसा रो रहे थे तो दशरथ दामोदर चले गए, सब चले गए, तो बोले कि मैं गोवर्धन के ऊपर जाके आत्महत्या कर लूँगा। तो रूप गोस्वामी साधु को बताया कि अगर, है ना, आत्महत्या करने से अगर कृष्ण मिल जाए तो हमसे सबसे पहले हम कर लेते नहीं, भजन करो, क्या करो, भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर जीव गोस्वामी होता है कि जीव गोस्वामी उन्होंने सारी वैष्णव कम्युनिटी की, ही वाज़ द किंग, वैष्णव किंग, टॉप मोस्ट वैष्णव, नदी मंडल में, व्रज मंडल में और क्षेत्र मंडल, जगन्नाथपुरी के सबसे बड़े समय राजा थे, वैष्णव राजा थे। कौन, वैष्णव राजा सभा बनाया उन्होंने, विश्व वैष्णव राज्य सभा बनाया गौतम जगजीव गोस्वामी। विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड, वैष्णव राज मतलब प्योर डिवोटी ना, तो विश्व वैष्णव राज सभा बनाया पूरे वर्ल्ड के लिए, है ना, स्पिरिचुअल एसोसिएशन बनाया जीव गोस्वामी। तो आप ये पास टाइम जानते हैं, दीक्षा वाला पास टाइम, वैसे बहुत सारे हैं दीक्षा वाले पास टाइम चलते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो अकिंचन भक्त हो चुके थे, और जीव गोस्वामी को बोलते थे कि मेरे को जो है वो लोकनाथ स्वामी का क्या करना है, उनसे दीक्षा लेना है। और उन्होंने बोला कि दीक्षा लेना तो किससे दीक्षा लो जाके, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो जाके, है ना। तो वो गए मिलने के लिए, एकदम फ्लैट दंडवत मारा, दंडवत मारने के बाद बोले कि प्लीज़ इनिशिएट मी,
आई एम नॉट क्वालिफाइड दैट आई वॉन्ट इनिशिएशन, मैं योग्यता नहीं मेरे अंदर, पर स्टिल आई वॉन्ट इनिशिएशन. लोकनाथ गोस्वामी आस्क, हु आर यू, हु आर यू, आई एम बंगाली. तुम नो आई एम बंगाली, फिर बोले हु आर यू, नहीं आई एम अ सन ऑफ किंग. लोकनाथ गोस्वामी सर, डू यू हैव एनी ब्रदर, पर नो आई एम ओनली सन ऑफ माई फादर. लोकनाथ गोस्वामी, यू आर द प्रिंस, यू आर वेरी लर्न एंड वेरी ब्यूटिफुल, यू आर नाउ यंग बॉय, यू आर होली सन ऑफ योर फादर, यू ओनली सन ऑफ योर फादर, आई विल नेवर एक्सेप्ट यू एज माई डिसाइपल, गो टू समवेयर एल्स. एक ही हो, इतने सुंदर हो, इतने प्रिंस लग रहे हो, अब राजा के एक ही बेटा है कि नहीं, मतलब मेरा मेरे को परेशान करेंगे आके ना घर वाले. मैं बजट कर रहा हूँ, परेशान करेंगे मेरे को, आई डोंट वांट, मतलब अपने रिस्क पे करो. तो बोले मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा, जाओ गो बैक. अब राजा के बेटे हो, धनी परिवार के बेटे हो, मैं नहीं दीक्षा दूंगा, तुम जाओ गो बैक. है कि नहीं? सो बहुत रिक्वेस्ट किया, बार 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 रिक्वेस्ट कर रहे थे लोकनाथ गोस्वामी से, प्लीज एक्सेप्ट मी योर डिसाइपल, प्लीज एक्सेप्ट मी योर डिसाइपल. वो हर बार क्या कर देते थे, मना कर देते थे. है कि नहीं? फिर गए शिक्षा गुरु के जो है कि नहीं. सो तो बोले कि आई कैनॉट इनिशिएट यू, फिर बोले ऐसे सब बोलो, आई कैनॉट इनिशिएट यू, आई डोंट एक्सेप्ट एनी डिसाइपल. अभी तक मेरा कोई भी डिसाइपल नहीं, मैं डिसाइपल बनाता ही नहीं, मेरा चेला कोई है नहीं. I don't want and I don't initiate anybody. तो नरोत्तम दास ठाकुर ने वॉ ले लिया, आई विल ओनली बी इनिशिएटेड बाई लोकनाथ स्वामी, आई विल नॉट बी हैव एनी अदर गुरु. अगर लूंगा तो इनसे दीक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा. तो फिर अपना जंगल में रहते थे लोकनाथ गोस्वामी, अपना भजन करते थे. क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो वहाँ भजन करते थे. तो नरोत्तम दास ठाकुर रात को जाते थे. कहाँ जाते थे? वो देखते थे कि मॉर्निंग में जाते थे शौच क्रिया करने के लिए, वहाँ जाते अपना है ना सूल पास करने के लिए. तो ये वहाँ जाते थे और उसको झाड़ू से साफ करते थे, उस स्थान को झाड़ू से साफ करते थे जाके, जहाँ गुरुजी क्या करते थे उनके शौच क्रिया के लिए जाते थे. कोकोनट स्टिक्स ब्रूम को लेके उसे साफ करते थे और पूरे स्टूल को मल को उधर उधर फेंक देते थे और वहाँ क्या करते थे, गाय का गोबर फैला देते थे. साफ करके गाय का गोबर फैला देते थे वहाँ, है कि नहीं? और बहुत नीट एंड क्लीन कर देते थे पूरे स्थान को. तो इस प्रकार से और फिर पीछे होके जो भजन कुटी में जाकर सुनते थे कि क्या जप करते थे, सुनते थे बैठ के, है ना. तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि हु इज दिस थीफ, कौन है ये चोर, कौन आता है? मैं सुबह देखता हूँ तो एकदम बढ़िया साफ होता है कि नहीं, एकदम टिका टप, एकदम जंगल में मंगल कर देते हैं, इतना साफ सुथरा लेके कौ डंग फैला के सब कुछ कर देते हैं, कौन है? तो उन्होंने देखा कोई चोर कोई तो है व्यक्ति ऐसा कर रहा है. तो इधर वो छुप गए जंगल में, वो खुद भी छुप गए, देखा कौन आता है नाइट को, देखते हैं. तो उन्होंने नाइट को तो ऐसे तो नहीं लाइटें चल रही हैं वहाँ, बहुत हो रहा है, 500 साल पहले की बातें हैं, तो वृंदावन में लाइट तो थी नहीं, कुछ नहीं था रात को, तो दिखाई नहीं देता था कौन आता था कौन जाता था, कौन पता नहीं चलता था कौन जाता है ना. तो जो भी रात की मून लाइट से जो भी हो जाए, तो इतनी अंधेरी नाइट थी. तो उनका हाथ पकड़ लिया लोकनाथ गोस्वामी, हाथ पकड़ लिया उसका, बोलो कौन हो आप? डर गए हो, बहुत डर गए हो. तो हु आर यू, टेल मी, लोकनाथ गोस्वामी बोले. तो प्रिंस रिप्लाइड, आई एम दुखी नरोत्तम दास, आई एम अनहैप्पी नरोत्तम दास ठाकुर, आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस पर्सन, आई जस्ट वॉन्ट यूर मर्सी, आपकी कृपा चाहिए, मैं कृष्ण भजन करना चाहता हूं, आपकी कृपा चाहिए, प्लीज बी मर्सी अपॉन मी, प्लीज बी मर्सी अपॉन मी. व्हाट आर यू डूइंग दिस, क्या कर रहे हो आप?
बोला आपने मेरे को अपना शिष्य नहीं अप्लाई किया है और मैं आपकी आपने मेरे को शिष्य इसलिए नहीं अप्लाई किया कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं प्रिंस हूँ, लेकिन मैं तुच्छ सेवा करना चाहता हूँ, मिनियल सेवा करना चाहता हूँ आपका, फॉर यू, है ना, जस्ट वॉन्ट टू प्लीज यू सो दैट आई कैन रिसीव योर मर्सी। तो लोग नंगो से बड़े खुश हुए कि राजा का बेटा होके क्या कर रहा है, मिनियल सेवा कर रहा है, क्या करता है, मल साफ कर रहा है कि नहीं। बड़े खुश हो गए उससे और उनकी सेवा से बड़े संतुष्ट हुए। बोला अभी तक तो मैंने कोई डिसाइपल नहीं बनाया था, बट मैं एक बना सकता हूँ, आपको बना सकता हूँ, कि आप क्वालिफाइड हो, यू कैन बिकम माय डिसाइपल, है कि नहीं। तो अपनी भजन कुटिया में ले गए उनको, भजन कुटिया में लेके बोला जाओ यमुना जी में स्नान करो, कल सुबह स्नान करके आ जाना। तो लोकनाथ गोस्वामी उनको निश्चित किए और कृष्ण मंत्र दिए, गोपाल मंत्र दिए, काम गायत्री दिए, है ना, सारे मंत्र दिए उनको, है कि नहीं। और लाइक दैट क्लिम कृष्णाय, क्लिम केशवाय, क्लिम कामदेवाय, सारे गायत्री दिए सारे उनको। तो सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़ के और फिर कहीं नहीं जाते थे। बोला उनको तो इंस्ट्रक्शन दिया, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, हाँ क्या इंस्ट्रक्शन दिया, गिव अप ऑल द वर्ल्डली डिजायर, संसार की जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं इसको क्या कर दो, छोड़ दो, गिव अप ऑल द मटेरियल डिजायर्स, भौतिक सुखों को छोड़ दो और क्या करो, डू नॉट गो एनी वेयर फॉर एनीथिंग, कहीं मत जाओ, क्या करो, डू नॉट एसोसिएट विद द कॉमन पीपल, ऑलवेज चैंट हरि नेम, ऑलवेज थिंक ऑफ पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा, भी तृणादपि सुनी चैन तरो रिवर शह सुना, इंस्ट्रक्शन हिम टू ऑलवेज स्टे हियर इन दिस भजन कुटीर, ऑलवेज चैंट हरि नाम, ऑलवेज थिंक ऑफ द पास्ट टाइम ऑफ कृष्ण, दास ठाकुर फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन। One very hot summer, thirsty farmer came to Lokanath Goswami, requesting water. There was a well nearby. Lokanath Goswami had a rope and buckets, but he was chanting Hari name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Absorbed remembering the pastime, Krishna, and sinking the ocean of the rasa, he had no outward awareness of these, did not respond to the farmer, who then went to the young महात्मा जी एंड आस, ओ छोटा बाबा, ओ लिटिल बाबा, आई एम सो थर्स्टी, आई नो रोप एंड बकेट, प्लीज गिव मी वाटर। द फॉर्मर ट्वाइस मेड हिज रिक्वेस्ट टू ठाकुर जी, नोतमदास ठाकुर, हु वॉज इज मिडस ऑफ हिज भजन, ठाकुर लेफ्ट हिज हरिनाम माला एंड वेंट टू फेच द वाटर फ्रॉम द वेल एंड गिव दैट वाटर टू द फार्मर, हु ड्रैंक इट एंड वेंट टू हिज वे। Meanwhile, Lokanath Goswami turned to external consciousness and he knew everything, what has happened. He called young Babaji, Kaun? Ratnadas Thakur. Told him, you should at once return to your home. Jao, wapas jao ghar mein. I don't want a disciple like you. I will not permit you to do bhajan here with me. You have many desires. You are very kind to all. So return to your kingdom, live in place and be charitable to people. You should give up all the water, bread and butter, cloths, everything else. You cannot do bhajan here. Why? Because you have no idea of Krishna's name. Krishna's name is Krishna himself. Like that, bolne lage unko, hai na? To Ratan Dasa ko bolne lage. Kya? So they have such kind of attachment to the holy name. Jiska hai, wo hum copy nahi kar sakte. तो बोले कि तुम प्यासा था, तो बोले प्यासा तो मैंने पिला दिया पानी, मेरा नाम से ऊपर क्या है, आपने क्यों छोड़ा उसको, नहीं छोड़ना चाहिए था, अंडरस्टैंड ना। तो कई प्रिंसिपल है इसमें सीखने के लिए, कि हमेशा अपने भक्ति को प्रायोरिटी देना चाहिए, जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ क्या है, फिर सब कर्मकांड ये सब सब खत्म है, हाँ फ्रेंड ट्रॉपिक काम हो गए भजन करने के लिए। ऐसे सिखा रहे हैं, मतलब ये सिखा रहे हैं कि अगर बाबा जी बनना, कैसे बाबा जी बनना है तुमको, तो बाबा जी तो हम तो है नहीं, है ना। पॉइंट है कि जब कुछ चुलते हैं उसकी कॉपी मारना शुरू कर देते हैं हम लोग, अच्छा अच्छा हम भी नहीं करेंगे, है ना, पूरी बस क्या करना है, नाम पे
ध्यान देना है। वो भक्त बेचारा तड़प रहा है, नहीं प्रभु जी कृष्ण सब कुछ करेंगे, तो फिर आप वहाँ यहाँ मत लीजिए, आप मधु करके खाइए जाके वहाँ। तो ये साधक के लिए नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है कि जब एग्जॉल्टेड वैष्णव के बारे सुनते हैं तो साधक भी क्या करता है, कॉपी मारना शुरू करते हैं। वो नहीं कर सकते आप। ये है कि हाइट ऑफ भजन वहां जब कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं सुनिए, बहुत सुंदर बता रहे हैं। बिकॉज यू हैव नो आइडिया ऑफ कृष्णा नेम, कृष्णा नेम इज कृष्णा हिमसेल्फ, हरे कृष्णा मीन श्री राधा कृष्णा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राधा एंड कृष्णा। अंडरस्टैंडिंग ही सर्विंग डायरेक्टली कृष्णा इन कुंज ऑफ रजा, तो थोड़ा सब रोने लगे। फार्मर वाज सो थर्स्टी, लोकनाथ गोस्वामी रिप्लाइड, परहैप्स यू डू नॉट नो द नाम एंड नामी आर द सेम, वेन यू आर चैंटिंग हरि नाम यू शुड थिंक आई एम सर्विंग राधा एंड कृष्णा, हरा श्रीमती राधिका एंड हू द हु कंट्रोल द माइंड एंड हार्ट ऑफ कृष्णा, फ्रॉम हरा कम्स मीनिंग ओ हरा, ओ श्रीमती राधा रानी, ओ राधा रमन श्री कृष्णा, हरे कृष्ण राधा कृष्णा, वाइल चैंटिंग यू शुड सर्व दैम रिमेंबरिंग द पास्ट टाइम, गिव अप द सर्विस राधा कृष्णा एंड यू वेंट टू कैच द थर्स्ट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन, यू थॉट गिविंग द वॉटर टू मोर इंपॉर्टेंट दैन सर्विंग दैम, सो यू शुड रिटर्न टू द वर्ल्डली लाइफ, डू द थिंग्स एंड डू नॉट लाइक, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। तो नौतम दास ठाकुर रोने लगे एंड ही प्लीडेड, लोकनाथ डिड नॉट अलाउ हिम टू स्टे इन वृंदावन, डू यू अंडरस्टैंड द सिद्धांत हिज व्यू, सो दिस इज हाई। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि अगर आपको भजन करना है किसी को वृंदावन में रह के, तो फिर वो क्या करता है, देन डू कंप्लीट भजन। आप सुनो बात को, और आप सरेंडर सोल हो तो फिर आपको पता है कृष्ण सबके लिए कुछ कर देंगे है? अगर उसका उस लेवल की आपकी कमिटमेंट है तो भगवान के लिए, अगर आपका वो उस प्लेटफॉर्म में पहुंच चुके हैं तो इस प्रकार से है? लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए दशला प्रभुपाद है के लिए प्रभुपाद जाते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, हरि नाम कराते थे, है ना, करने के लिए, है ना। सो करते 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 क्या होगा, साधक को क्या होगा, सेवा हो करने का मौका मिल जाएगा, बढ़ेगा वो इस करने के लिए। तो गौतम दास ठाकुर ने बहुत सेवा किया उनका। और फिर तो प्रश्न ये उठता है कि ऑलरेडी जब कृष्ण प्रेम मिल गया था गौतम दास, ऑलरेडी कृष्ण प्रेम मिल गया था, तो फिर दीक्षा क्या क्यों लेना चाहते थे वो? हाँ, कौन बताएगा, मैंने बताया था एक दो बार पहले क्लास में, कौन क्यों दीक्षा लेना चाहते, दीक्षा तो प्रेम, ये प्रेम पाने के लिए कृष्ण दीक्षा लिया था ना गुरु जी से, कृष्ण प्रेम पाना है, तो कृष्ण प्रेम पहले ही मिल चुका है उनको, तो क्यों करना चाहते हैं? हाँ, गुरु प्रभु को फॉलो नहीं करेगा, बोलेगा मिल गया आपको ये महाप्रभु देंगे आके, है कि नहीं, सबको महाप्रभु देंगे, तो डेट इज ऋत्विक फिलोसफी, डायरेक्ट मिलेगा आपको। ओके, एक ये तो, और क्या बताएंगे, हाँ लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, ये दो चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे पुराने शिष्य थे, जिनको सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु व्रज में भेजे, लोकनाथ गोस्वामी, इन्होंने भजन भजनानंदी थे, ये है असली भजनानंदी, भजन में आनंद है ना, तो दिखाते कर ये भजनानंदी मनन कैसे बनना चाहिए। और भूगर्भ गोस्वामी, भू गर्भ समझ आ गए, भू मतलब पृथ्वी के गर्म जबकि नीचे गड्ढा खोद के फिर भजन करते थे वो, भूगर्भ गोस्वामी, उनका नाम उसमें ज़्यादा नहीं है उनके बारे में, सब मना कर दिए कि मेरे बारे में लिखना, मना कर दिए लिखने के लिए किसी को, मेरा मेरे बारे किसी शास्त्रों में लिखना मत, कृष्णदास का भी मना, सबको मना कर दिए। तो ऐसे से महान महान आचार्य हैं हमारी संप्रदाय में। तो ये
एक साधक का गोल होना चाहिए, है ना, गोल होना चाहिए, कैसे हो, कैसे दिन आएगा, क्या होगा वो, हाँ, किस दिन मेरा वो स्थिति आएगा, कभी होवे से दिन आमार। लेकिन सेवा करते 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 करते, है ना, सेवा करते गुरु की सेवा करते प्रसन्न करते हुए, उनके गुरु जी बोले आप ये करो, क्योंकि उसके अंदर था कैपेसिटी, इतना बड़ा सब कुछ अपने छोटा आसान बात है, इतना आसान नहीं है, वो भी नेक्स्ट प्रिंस रेडी था, वो नेक्स्ट राजा वही था, कोई भाई भी नहीं था, लेकिन उनको समझा नहीं कि ये मटेरियल चीज़ें कुछ हमको आनंद दे सकती हैं, ठीक है ना।